कैलेंडर का यह दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में कैलेंडर के अंतर्गत हमने देख लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, मतलब ऑड डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है वो मैं आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको दो पार्ट में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन बनाएंगे। ऑड डे हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, तो जिसने भी कैलेंडर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले देखिएगा। एक नोट पॉइंट आपको लिखना है और वो ये है कि नंबर ऑफ ऑड डेज इज ऑलवेज लेस देन 7। जो ऑड डेज की संख्या होगी वो हमेशा 7 से कम होगी, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने बता रहा था कि 7 से भाग देने पे जो भी शेषफल बचता है, और किसी भी संख्या का शेषफल जिस संख्या से भाग देते हैं उससे कम ही होता है कि नहीं। तो 7 से भाग देने मतलब शेषफल हमेशा 7 से कम होगा, मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 7 से कम होगा, क्लियर है। लेकिन कहीं पर कैलकुलेट करने से मान लेते हैं कुछ हमने डेज लिखा, हर डेज के ऑड डेज को कैलकुलेट कर लिया और फिर सबको जोड़ दिया नंबर ऑफ ऑड डेज को, और सभी महीने के ऑड डेज को जोड़ने से अगर मान लेते हैं टोटल ऑड डेज अगर 13 आ जाता है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने तो कहा था 7 से कम होना चाहिए, तो क्या होगा फिर, कुछ नहीं, फिर से 7 से भाग दे दीजिए। अगर महीने के इंडिविजुअली ऑड डेज को कैलकुलेट करने के बाद सभी महीनों को ऑड डेज को जोड़ दें और वो अगर 7 से ज़्यादा चला जाए तो फिर से उसको 7 से भाग दे दीजिए। ऐसा तब तक करना है जब तक कि ऑड डेज 7 से कम ना मिल जाए, बात समझ में आ रही है। वो क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, अभी बस आप समझते चलिए इतना। तो जब हम 13 को 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाने वाला है रिमाइंडर, शेषफल कितना बचेगा, 6। और यहाँ पर फिर ऑड डेज 13 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13 के बदले क्या लिखेंगे, 6, एक ही मतलब है। तो ऑड डेज 13 हो या ऑड डेज 6 हो, एक ही मतलब है, क्योंकि 7 के बाद अगर 8 हो रहा है, 7 के बाद अगर 8 हो रहा है तो ये क्या 8 ऑड डेज होगा क्या, नहीं, ये 8 ऑड डेज नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 ऑड डे होगा, क्योंकि 7 के बाद एक एक्स्ट्रा है, एक रिमाइंडर बच रहा है जब 8 को 7 से भाग दे देंगे, बात समझ में आ रही है। हर एक 7 के बाद रिपीट हो रहा है दिन, यही तो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 7 से कम होगा, और कहीं कुछ परिस्थिति वश 7 से अगर अधिक आ रहा है तो फिर से उस ऑड डेज को 7 से भाग दे दीजिए, तो डेफिनेटली 7 से कम आ जाएगा, क्लियर है। चलिए प्रश्न देखते हैं, कुल 6 प्रश्न हैं हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, बस वो ऑड डेज आपको समझना था जो आप समझ गए हैं पिछले वीडियो में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बताते चलूं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक है, 9 फरवरी 1932 अगर मंगलवार था, मतलब ट्यूसडे, अब इतना इंग्लिश हिंदी चलेगा आपका, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में इंग्लिश हिंदी का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए किसी को भी। मंगलवार यहाँ पर लिखा है, वहाँ ट्यूसडे लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 9 फरवरी 1932 मंगलवार था तो 11 जून 1932 कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। मतलब 9 फरवरी 1932 से कहाँ आना है आपको, 11 जून 1932 का दिन आपको बताना है, क्लियर है ना। अब हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करने हैं, क्योंकि ऑड डेज का ही पर्पस होता है कैलेंडर में दिन बताने के लिए, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए जो भी दिन दिया रहता है उसको छोड़ के अगले दिन से हमको दिन काउंट करने होते हैं। जैसे 9 फरवरी दिया है, 9 फरवरी मंगलवार था, तो 9 फरवरी के अगले दिन मतलब 10 फरवरी से आपको काउंट करना है नंबर ऑफ डेज को, दिन की संख्या को। फिर दिन की संख्या से ऑड डेज कैसे निकालेंगे देखते जाइएगा, ठीक है। साल तो वही है, तो साल तो हमको परिवर्तित नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो साल से कोई मतलब भी नहीं है। हमको मतलब है 9 फरवरी से पहुँचना है कहाँ तक, 11 जून तक। तो 9 फरवरी से पहले देख लीजिए पूरा फरवरी में कितना दिन बाकी है, ठीक। देखिए
फरवरी में कितना दिन बाकी है, टोटल नंबर ऑफ डेज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं मंथ मतलब महीना, और यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ डेज, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फरवरी, चलिए देखिए फरवरी, फरवरी में 9 तारीख के बाद कितने दिन बचे हुए हैं। आप बोलेंगे फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि वो जो दिया हुआ साल है कौन सा 1932, वो लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है 28 दिन का होता है। तो 1932 जो है ये लीप ईयर है कि नहीं चेक करेंगे अगर, तो क्या हो रहा है फिर यहाँ पर, इस 1932 को 4 से भाग देने के देखना पड़ेगा, अगर 4 से भाग चला जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। और 1932 को जब हम 4 से भाग देके देखेंगे, मतलब आखिरी के दो डिजिट को सिर्फ 4 से भाग के देके देख लीजिए, मतलब 1932 चला जाएगा अगर 4 से भाग, ये दोनों डिजिट हो रहा है, तो 32 4 से भाग जा रहा है, मतलब 1932 भी 4 से भाग चला जाएगा, और चूंकि यह साल 4 से भाग जा रहा है तो ये लीप ईयर होगा। ये क्या होगा, लीप ईयर होगा, और चूंकि ये लीप ईयर है मतलब फरवरी 29 दिन का होने वाला है, तो 9 तारीख के बाद मतलब 10 फरवरी से 29 फरवरी कुल 20 दिन हो रहा है। कितना दिन हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ऑड डेज निकाल लूँ, यहीं से निकाल लीजिए, बाद में सारे दिन को जोड़ने से अच्छा यहीं पर ऑड डेज निकालते चलिए, डिजिट को छोटा करते चलना है, 20 ऑड डे आ गया ना इधर, तो 20 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। ऑड डेज कितना बच रहा है यहाँ पर, 6 बच रहा है, बात समझ में आई। देखिए भाई 9 तारीख हो गया है, 9 तारीख के बाद से देखना, मतलब 10 तारीख से देखना है, फरवरी का कौन कौन सा शामिल है, 10 फरवरी से कहाँ तक, 29 फरवरी तक। 29 क्यों आया, क्योंकि 1932 लीप ईयर था, तो 10 से 29 आप काउंट करके देख लीजिए 20 दिन होता है। उसके बाद मार्च आपको काउंट करना है, चलिए फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च में कितने दिन होता है भाई, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी 31 दिन का होता है, ठीक है 31 दिन, ठीक। यहाँ से ऑड डेज निकाल लेते हैं, मतलब 31 को जब हम 7 से भाग देंगे, 31 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा 3, बात समझ में आई, ठीक है। 7 चौक 28, 3 बच गया, और जो बचता है वही ऑड डे होता है। ये पूरा मार्च हो गया, पूरा मार्च लेना है। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल कितने महीने का होगा भाई, 30 दिन का, और 30 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, मतलब 2 ऑड डे अप्रैल का लिए हो गया, ठीक। मई के लिए देख लीजिए, मई मतलब 31 दिन का होता है, और 31 दिन की होने की वजह से इसका भी ऑड डे जो रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहने वाला है, क्योंकि 7 चौक 28, तो 3 बच रहा है 31 से घटाने पर, ठीक है। और फिर जून में हम पहुंच गए, लेकिन जून में कितने दिन लेने हैं हमको, 11 दिन लेने हैं। देखिए जो दिन दिया होता है उस दिन को छोड़ के अगला दिन से लेते हैं, लेकिन जिस डेट में हमको निकालना होता है, चूंकि इसमें डेट नहीं निकला है, दिन नहीं पता चला है, तो इसको भी शामिल करते हैं, मतलब जून का 11 दिन लेना है हमको। जून का कितना दिन लेना है, 1 तारीख से 11 तारीख तक लेना है जून का, मतलब 11 दिन, ठीक है। और 11 दिन मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज मतलब 7 एकम 7, ठीक है। 4 बच रहा है रिमाइंडर मतलब शेषफल, और इसी कारण 4 जो हो जाएगा जून के लिए क्या हो जाएगा, ऑड डेज। तो ये मिल गया सभी महीनों के लिए ऑड डेज, और हम पहुंच चुके हैं 11 जून को, है ना। 1 जून से 11 जून मतलब हम 11 जून में पहुंच गए, ये वाले डेट में पहुंच गए, ठीक, वहीं तो पहुंचना था। काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए टोटल ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 6 3 9 9 2 11, 11 3 14, और 14 और 4 18, टोटल 18 ऑड डेज आ रहे हैं दोस्तों। और मैंने कहा है जब ऑड डेज 7 से ज़्यादा चला जाए किसी परिस्थितिवश, जहाँ पर हमने सभी महीने के ऑड डेज को जोड़ लिया तब 18 ऑड डेज आ रहे हैं, तब कुछ नहीं करना होता। क्या करना होता है, इस ऑड डे को एक बार फिर से 7 से भाग दे दीजिए, और जो भी शेषफल बच रहा है वो फाइनल ऑड डे होगा, मतलब 7 दूनी 14 करने से 4 शेषफल बच रहा है यहाँ पर, ठीक। और फाइनली 4 शेषफल बच रहा है, मतलब यही फाइनल ऑड डे होगा, ठीक है। 4 ऑड डे निकल गए कुल, कहाँ से कहाँ तक, 9 फरवरी के बाद से 11 जून तक 4 ऑड डे हो रहे हैं। और फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या होता है, हमको 11 जून को कौन सा दिन पड़ रहा है बताना है। तो देखिए 9 फरवरी को मंगलवार था, तो जो भी पहले दिन था मंगलवार मतलब ट्यूसडे,
जो भी दिए हुए डेट में वो दिन पड़ रहा था उसमें आपको ऑड डेज को जोड़ देना है, और ऑड डेज यहाँ पर क्या आया, चार। मतलब मंगलवार के चार दिन बाद जो पड़ेगा वही आंसर होगा, मतलब वही 11 जून को पढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब 9 फरवरी 1932 से 11 जून 1932 तक कुल चार ऑड डे निकल के आ गए। मतलब 9 फरवरी को अगर मंगलवार पड़ रहा है तो चार ऑड डे आने की वजह से मंगलवार से चार दिन बाद जो भी दिन होगा वही आंसर होगा। तो काउंट कर लीजिए, मंगलवार के बाद चार दिन चौथा दिन कौन सा है, तो ये ऐसा काउंट कर लेना उंगली से, मंगलवार के बाद पहला दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, चार हो गए। मंगलवार में चार जोड़ दिया, शनिवार आ गया, तो चार जोड़ने से क्या आ गया, शनिवार, सैटरडे, शनिवार। और चूंकि हम 11 जून तक पहुंच चुके थे, मतलब 11 जून को ही, यही 11 जून 1932 को ही शनिवार पड़ रहा है, ये इस तरीके से हमको करना होगा फटाफट। काफ़ी जल्दी हो जाता है, समझाने में टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन खुद से जब आप कर लेंगे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, अगर आप सीख जाएंगे कि सिर्फ हमको ऑड डेज निकालना है तो कैलकुलेशन ही काम है, बस सिर्फ जोड़ और भाग, बस क्लियर है। तो 11 जून 1932 को आपका दिन पड़ रहा है शनिवार, मंगलवार में चार जोड़ने से आया, मंगलवार वो था पहले डेट का दिन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑड डेज निकाल लिया, फिर चार आया तो चार को जोड़ दिया मंगलवार में, तो अगला दिन आ जाएगा चार जोड़ने से शनिवार, मतलब मंगलवार से चार दिन बाद, क्लियर। दूसरा प्रश्न देखें, ये हो गया पहला प्रश्न, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके जो भी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यह करना है आपको कि अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो चलिए भाई, 15 अगस्त 1947 क्या था, फ्राइडे, शुक्रवार, क्लियर है ना। अब आपको पहुंचना है कौन से दिन, आपको निकालना किस दिन का है, निकालना है 26 जनवरी 1950 का दिन निकालना है कि इस दिनांक को कौन सा दिन पड़ा था। तो यहां से 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 को पहुंचना है, तो स्टेप स्टेप में पहुंचेंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर पूरा साल परिवर्तित हो गया, यहां पर 1947 और यहां पर 1950 है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो वर्ष था उसको सेम रखा था, तो अब थोड़ी सी लेवल हमने बढ़ा दिया इस तरीके से कि डेट तो चेंज हुआ ही, साथ ही साथ आपका वर्ष भी चेंज हो गया, मतलब 1947 1950। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 1949 को पहुंच जाते हैं। अब 1950 क्यों नहीं लिया मैं 15 अगस्त का, तो एक चीज़ समझ लीजिए, पहले क्या करेंगे कि वर्ष से वर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, मतलब 1947 से 1950 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे डेट को सेम रखते हुए। मतलब 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को ही मैंने रखा। अब 15 अगस्त 1950 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 15 अगस्त 1950 में लिखता तो वो 26 जनवरी 1950 से आगे बढ़ जाता, हमको आगे नहीं बढ़ना है, इस कारण मैंने 15 अगस्त डेट सेम रखते हुए वर्ष को परिवर्तित कर दिया, मतलब 1947 से 1949 मैं पहुंच गया पहले। तो यहां से यहां तक आने में कितने ऑड डेज पड़ेंगे वो मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, 1947 से 1949 दो वर्ष का समय होता है, कितना होता है, दो वर्ष का समय होता है, जिसमें एक साल, मतलब जब 1947 से 1948 आएंगे, मतलब 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक आएंगे, तो बीच में एक लीप ईयर पड़ रहा है, कौन सा, फरवरी 1948, क्योंकि 1948 दोस्तों ऐसा साल है जो लीप ईयर है, क्योंकि चार से भाग जा रहा है, देख लीजिए, ठीक है। और चूंकि ये चार से भाग जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है, मतलब 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक पहुंचेंगे तो फरवरी तो क्रॉस होगा, मतलब 29 दिन का आएगा। और मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे और
लीप ईयर में दो ऑड डे होता है, तो इस दो वर्ष में एक जो साल होगा वो लीप ईयर होगा और एक जो साल होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल ईयर होगा। बस समझ में आई? और लीप ईयर होने की वजह से दो ऑड डे हो जाएगा और नॉर्मल ईयर होने की वजह से एक ऑड डे हो जाएगा। कुल कितने ऑड डे हो गए यहां तक? तीन ऑड डे हो गए, थ्री ऑड डेज हो गए यहां तक। कहां तक? 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1949 तक तीन ऑड डे मिल चुके हैं, मतलब हमारा ये इस दिन में हम पहुंच चुके हैं। बात समझ में आ गई? इतनी ऐसा करना होता है हमको, ठीक। अब 15 अगस्त से कहाँ पहुँचना है, 15 अगस्त से कहाँ पहुँचना है हमको? 15 अगस्त से अगला दिन पहुँचना है 26 जनवरी 1950 पहुँचना है कि नहीं? 15 अगस्त 1949 से 26 जनवरी 1950 पहुँचना है। तो यहाँ तक तो पहुँच चुके, तीन और डेज आ चुका है, मतलब इस डेट तक काउंट कर चुके हैं हम। अगला कहाँ से काउंट करेंगे? 16 अगस्त 1949 से काउंट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा है, क्योंकि यहाँ तक तो तीन और डे आ गए ना भाई, इसका काम खत्म हो गया। अगला कौन सा दिन काउंट करेंगे? 16 अगस्त। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने महीने आ रहे हैं, काउंट कीजिए। अगस्त आ रहा है, अगस्त में कौन कौन सा दिन आएगा? 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक काउंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? कितने आएंगे नंबर ऑफ डेज, पहले ही क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं, कितने आएंगे? 16 से 31 कितना होता है काउंट में? 16 से 31 कितना होता है काउंट में? तो अगर बोले 16 से 30 15 दिन होता है, और इसको मिला के 31 को मिला के 16 दिन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हो गया 16 दिन, और 16 दिन मतलब कितने ऑड डेज? 7 से भाग देंगे, 7 × 2 = 14, मतलब 2 ऑड डेज जो बच रहा है वही, ठीक है। अगला जो महीना आएगा सितंबर, अगला पूरा पूरा सितंबर आएगा ना, पूरा पूरा सितंबर, क्योंकि जनवरी तक जाना है, पूरा पूरा अक्टूबर, ठीक, पूरा पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी का 26 तारीख तक। तो फिलहाल देखिए अब सितंबर में कितने दिन होंगे, सितंबर में 30 दिन होंगे, 30 को 7 से भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर बच रहा है? डायरेक्ट करेंगे आप, देखिए 30 दिन है, बार बार वही काम नहीं करेंगे हम, टाइम बचाएंगे। 30 दिन है, 30 को 7 से भाग देंगे, बताइए रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा, 7 × 28 करने से, तो 2 ऑड डे, ठीक। अक्टूबर 31 दिन का, 31 दिन, 31 को 7 से भाग देंगे, कितना ऑड डे बचेगा बोलिए? 3। ये फटाफट हो रहा है। देखो नवंबर, नवंबर में कितने दिन? फिर से सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर फिर से 30 दिन, 30 दिन के लिए फिर कितना ऑड डे? 2 ऑड डे, ठीक है। और दिसंबर, दिसंबर फिर से 31 दिन का होगा, 31 दिन के लिए ऑड डे कितना हो जाएगा? 31 दिन के लिए कितना ऑड डे हो जाएगा? दिसंबर का 31 दिन है, 31 दिन, 31 दिन के लिए ऑड डे हो जाएगा 3, 3 ऑड डे, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब फिर जनवरी पहुंच गए, कहां तक? जनवरी, 26 जनवरी तक जाना है, मतलब कुल 26 दिन होने वाले हैं, 26 दिन होने वाले हैं, और 26 दिन को जब हम 7 से भाग देंगे, जनवरी 26 तक जाना है तो पूरा 26 दिन लेना पड़ेगा, 26 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 × 21 होता है, 5 और डे बच रहे हैं, 5 और डे बच रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ ऑड डे काउंट कर लीजिए शुरू से अभी तक, 3, 2, 5, 3 पहले का बचा हुआ था जब हमने पूरा 47 से 49 तक आए थे सेम डेट को रखते हुए, 3 बचा हुआ था पहले का, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 12, 3, 15 और 15 × 5, 20, कुल 20 ऑड डेज, ठीक है। और 20 ऑड डेज आ गया, मतलब फिर से मैंने कहा है कि ऑड डेज 7 ही हो सकता है, मतलब 7 से कम ही हो सकता है, तो फाइनली 20 को हम भाग दे देंगे 7 से, और शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा कितना? 7 × 2 = 14 जब हम करेंगे तो 6, मतलब 6 और डे, मतलब कुल 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 हम पहुंच गए। देखिए
यहाँ पर जो दिसंबर के बाद जनवरी आया तो ये तो 1950 लग गया ना, क्योंकि ये जितने भी मंथ देख रहे थे किसके थे, 1949 के, तो ये डाउट तो आपको होना नहीं चाहिए, क्लियर है। तो पूरा 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 पहुँचने पे हमको 6 और डेज मिल गए, मतलब 15 अगस्त को जो भी दिन रहा होगा उसमें जब 6 जोड़ेंगे तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था पता चल जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे मतलब शुक्रवार में 6 जोड़ दीजिए, मतलब फ्राइडे के एक दिन पहले गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। फरवरी में 6 दिन जोड़ लीजिए, कैसे होगा 6 जोड़ना है, देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 5 हो गया, और छठवा गुरुवार, ठीक। तो आपको फ्राइडे में 6 जोड़ देना है फाइनल आंसर के लिए, फ्राइडे प्लस 6 डेज मतलब 6 और डेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा थर्सडे, मतलब गुरुवार आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब चूंकि बताने में टाइम लग रहा है लेकिन देखिए यहीं पर हमने शॉर्टकट चालू कर दिया था, मतलब फटाफट ऑड डेज काउंट करना है, बहुत ही कम समय में आपका बन जाता है प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि 2008 का पहला दिन मंगलवार था और रमेश का जन्मदिन 21 सितंबर को था, तो 31 सितंबर को उसी वर्ष में मतलब 2008 में ही कौन सा दिन पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब 2008 का पहला दिन मतलब 1 जनवरी 2008 को मंगलवार पड़ रहा है, ये आपसे मतलब बताया गया क्वेश्चन में, और रमेश का जो जन्मदिन है वो 21 सितंबर को आता है, तो 21 सितंबर को कौन सा दिन पड़ा था 2008 में ही, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से चलना है, मतलब वर्ष चेंज नहीं हुआ है, 2008 ही है, मतलब 1 जनवरी से लेकर आपको 31 सितंबर तक आना है, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करना है, जितने भी ऑड डेज आ जाएंगे उसको मंगलवार में जोड़ दीजिएगा तो 21 सितंबर 21 सितंबर का दिन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2008 को मंगलवार दे दिया है तो 1 जनवरी के बाद से मतलब 2 जनवरी से आपको लेना है, मतलब जब आप जनवरी 2008 लेंगे तो उसमें 30 दिन काउंट करना है, क्योंकि 1 जनवरी को काउंट कर चुका है ये मंगलवार है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जब लेंगे ना हर महीने का, मतलब जनवरी फरवरी कहाँ तक जाएंगे सितंबर तक, तो जनवरी में कुल कितने दिन लेना है 30 दिन, क्योंकि पहला दिन आपको काउंट नहीं करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 30 दिन आपको लेना है, कारण भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से सितंबर तक पहुंच जाइए, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ ऑड डेज अगर 7 से ज़्यादा रहा तो 7 से भाग दे दीजिए, जो भी 7 से कम ऑड डेज मिलेगा पहला उसको मंगलवार में जोड़ दीजिएगा, अगला दिन आ जाएगा। यह आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ये आपके फायदे के लिए मैंने दे दिया है, आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है, यदि 3 जुलाई 2006 बुधवार था तो 1 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था। अब इसमें किया क्या है, उल्टा कर लिया है, मतलब बाद का डेट का दिन दे दिया है और पहले के डेट का दिन पूछ दिया है कि नहीं, रिवर्स जाना है। तो देखिए, जब हमको पहले का डेट पता होता है और आगे की डेट का दिन पूछता है तो हम जो भी ऑड डे आता है उसको पहले दिए हुए डेट के दिन में जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि बाद वाले डेट का दिन दिया है और पहले वाले डेट का दिन पूछा है, तो जो भी ऑड डे आएगा यहाँ से यहाँ तक, ऑड डे कैलकुलेट करने का तो वही फंडा है, तो जो भी ऑड डे आएगा उसको जोड़ना नहीं है, उसको घटा देना है, मतलब उसके पहले के काउंट कर लेना है, बस इतना ही अंतर है। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे बात करूँ 3 जुलाई 2006, ठीक, पड़ रहा है कौन सा बुधवार, मतलब वेडनेसडे,
बात समझ में आई? अब जाना है कहां पर? जाना है 1 जुलाई 2001 में। पूछा है कौन सा दिन है, तो एक काम कर लीजिए, मैंने जैसे कहा था कि अगर आप वर्ष परिवर्तित कर रहे हैं तो डेट परिवर्तित मत कीजिए, मतलब आप 2006 से 2001 तक तो चले जाइए, 2001 तक तो चले जाइए, लेकिन डेट मत चेंज कीजिए। डेट को क्या रखिए? 3 जुलाई ही रखिए। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि 3 जुलाई 2001 अगर पता चल गया तो 1 जुलाई 2001 पता करने में क्या बड़ी बात है कि नहीं? तो डेट को पहले क्या करते हैं, हम सेम करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अच्छा खासा। जब हम वर्ष परिवर्तित कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वर्ष जब परिवर्तित कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डेट परिवर्तित ना करें। 3 जुलाई था तो 3 जुलाई ही रहने दें। क्लियर है क्या? जैसे 15 अगस्त वाले में भी हमने किया हुआ था। तो 2006 से लेकर 2001 में कितने वर्ष हो रहे हैं भाई? 5 वर्ष हो रहे हैं। इस 5 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं ये आप बता दीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखिए 2006 से 2001 में के बीच में 5 साल हो रहा है और उसमें एक ही लीप ईयर है, कौन सा? 2004। क्योंकि इन आने वाले वर्षों में 2004 ही ऐसा वर्ष है जो 4 से भाग जा रहा है, मतलब लीप ईयर है। ठीक, तो एक लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा मतलब ऑड डेज कितना होगा? एक लीप ईयर के पीछे 2 ऑड डेज होता है। बात समझ में आई? और 5 साल टोटल है तो एक लीप चला गया, तो मतलब नॉर्मल ईयर कितना बता? 4। और हर एक नॉर्मल ईयर के पीछे 1 ऑड डे, मतलब 4 नॉर्मल ईयर के पीछे 4 ऑड डे। कितने ऑड डे हो गए टोटल? 6 ऑड डे हो गए। कहां तक? 3 जुलाई 2001 तक 6 ऑड डे हो गए। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर 3 जुलाई 2006 को वेडनेसडे था और पहले की डेट में आ रहे हैं, मतलब 6 ऑड डे आया है तो वेडनेसडे में उसको जोड़ना नहीं है जैसे पहले कर रहे थे। अब इस 6 ऑड डेज को वेडनेसडे में माइनस करना पड़ेगा, मतलब वेडनेसडे से पहले चलना पड़ेगा 6 दिन। ठीक है, तो चलिए पहले चलिए 6 दिन पहले चलिए, इस डेट को हम पता करते हैं क्या दिन था। तो वेडनेसडे से 6 दिन पीछे चल रहे हैं, तो पहले दिन पीछे जाएंगे तो मंगलवार, सोमवार, ठीक है, रविवार, शनिवार, ठीक, शुक्रवार और गुरुवार। 6 दिन पीछे चलेगा, गुरुवार। ठीक, मतलब इस दिन क्या पड़ा? गुरुवार पड़ा पीछे चलने से, क्योंकि पहले की डेट में जा रहे थे। रीज़न क्लियर हुआ? गुरुवार, थर्सडे। और चूंकि 3 जुलाई 2001 को गुरुवार था तो 1 जुलाई को 2 दिन और पहले खिसकना है। 3 जुलाई को अगर थर्सडे है भाई तो 1 जुलाई को क्या पड़ेगा? 2 दिन और पीछे खिसकिए, क्या पड़ेगा? वेडनेसडे और फिर ट्यूसडे पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा भाई। आंसर हो गया ये, देखिए कुछ नहीं, मतलब पहले की डेट में अगर जाना है आपको, आंसर पूछा है अगर पहले डेट का, तो ऑड डे को जोड़ते नहीं है, घटाते हैं, मतलब पहले आते हैं, रिवर्स आते हैं। क्लियर है? और जब आगे की डेट का पूछता है तो ऑड डे से हम आगे बढ़ते हैं, बस यही अंतर है आपका। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपका हो गया क्या? मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बच गया जिसे मैं आपको कवर करके दे देता हूँ। उससे पहले एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ ACF 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, कैलेंडर से मैं आपको बता देता हूँ। और वो ये है कि सन 1992 का कैलेंडर, नोट करते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ, सन 1992 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? तो ध्यान से सुन लीजिए, पहले तो पूछा है 1992, ये प्रश्न पूछा हुआ था, मैं अतिरिक्त बता रहा हूँ आपको, 1992 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो 1992 है ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 4 से भाग जा रहा है। लीप ईयर होने की वजह से कोई भी लीप ईयर हर 28 साल में रिपीट होता है। हर 28 साल में क्या होता है? रिपीट होता है। मतलब जब 1992 में हम 28 जोड़ देंगे तो आ जाता है सन 2020।
तो जो कैलेंडर 1992 का था वही कैलेंडर सन 2020 का होगा। बात समझ में आई? मतलब कोई भी दिया हुआ वर्ष अगर लीप ईयर है तो फिर से कब रिपीट होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हर 28 वर्ष में वो लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। तो लीप ईयर होने की वजह से ही 28 जोड़ा, नॉर्मल ईयर तो 28 नहीं जोड़ते, फिर क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके फिर जिस भी वर्ष में जिस भी वर्ष तक ऑड डेज अगर 7 का मल्टीपल आ जाए मतलब 7 का गुणा जा जाए तो वो रिपीट करेगा। मतलब वो प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछे जाते क्योंकि वो लेंथी हो जाता है नॉर्मल ईयर वाला, तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर 1992 लीप ईयर था, मतलब लीप ईयर नहीं भी दिया रहेगा उसको आपको चेक करना पड़ेगा 1992 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर है किस्मत से तो 28 जोड़ दीजिए, 28 जोड़ने से जो भी साल आएगा जो यहाँ पर 2020 आया है वही सेम कैलेंडर होगा 1992 का। तो जो वर्तमान का 2020 का जो कैलेंडर है वो देखिएगा 1992 कैलेंडर से एज इट इज़ होगा, जिस दिन जो डेट पड़ रहा था वही होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। और जो नॉर्मल ईयर रहेगा इनके सुन लीजिए, नॉर्मल ईयर में क्या करना है, नॉर्मल ईयर में देखना है आपको ऑड डेज काउंट करके, जिस भी वर्ष ऑड डेज काउंट करते करते 7 का गुणा आ जाए, या तो 7 आ जाए या तो 14 आ जाए या तो 21 आ जाए, इतने ऑड डेज अगर आ जाए तो उस वर्ष का कैलेंडर पहले वर्ष के कैलेंडर से रिपीट करने लगेगा। ये ज़्यादातर प्रश्न से नहीं पूछते हैं, क्लियर है। तो ये प्रश्न पूछा गया था इतना ईजी जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलिए पांचवा छठवा एक ही प्रकार का प्रश्न है, पांचवा और छठवा एक ही प्रकार का प्रश्न है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। देख लीजिए, कोई एक आपको होमवर्क मिलेगा, तो चलिए आपको पांचवा प्रश्न होमवर्क करना है, छठवां प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, दोनों एक ही प्रकार का, मतलब एब्सोल्यूट कैलेंडर, एब्सोल्यूट कैलेंडर मतलब उसमें कोई दिन नहीं दिया होगा, जैसे हम पहले के प्रश्नों में क्या कर रहे थे, अगर इस दिन ये पड़ रहा है तो दूसरे डेट में क्या पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट पूछ दिया क्या 27 मार्च 1967 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट पूछ दिया भाई, कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे कैसे कैलकुलेट करें, उसको कैलकुलेट करना है इन चार पॉइंट्स की मदद से, समझ में आई बात। हर 400 साल रिपीट, मतलब हर 400 साल में जीरो ऑड डे होता है, मतलब देखिए अभी क्या चल रहा है 2020 चल रहा है, उसके पहले मान लेते 2000 चल रहा था, मतलब 2020 के बाद एक सेंचुरी ईयर ले रहे हैं, सेंचुरी ईयर के पहले 400 साल पहले क्या 1600 के पहले फिर 1200 के पहले 800 के पहले 400 और 400 के पहले 0 AD, ठीक है, 0 ईसा पूर्व, 0 ईस्वी, ठीक है, मान लेते हैं। तो 0 ईस्वी को 0 ऑड डे, वहाँ से कैलेंडर की शुरुआत हुई, और 0 ऑड डे मतलब संडे होता है, 0 ऑड डे मतलब संडे होता है एब्सोल्यूट कैलेंडर में, 1 ऑड डे मतलब मंडे, 2 ऑड डे मतलब ट्यूसडे, 3 ऑड डे मतलब वेडनसडे, 4 ऑड डे मतलब थर्सडे, इस तरीके से क्रमागत चलते हैं, 0 ऑड डे मतलब संडे, 1 ऑड डे मतलब मंडे, इस तरीके से एब्सोल्यूट कैलेंडर में जब कोई भी रेफरेंस नहीं दिया होता, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से मतलब 400 साल 0 ऑड डे, 800 ईस्वी 0 ऑड डे, 1200 ईस्वी 0 ऑड डे, 1600 ईस्वी 0 ऑड डे, और सन 2000 0 ऑड डे, क्योंकि 400 साल का अंतर है और 400 साल में 0 ऑड डे होते, तो जब शुरुआत हुई 0 AD में 0 ईस्वी में तो वो क्या हुआ 0 ऑड डे मतलब संडे, फिर पहले दिन से मंडे, ये हुआ था। बात समझ में आई आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको बताना है पांचवा और छठवा प्रश्न, छठवा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पूछ दिया है अप्रैल 2010 में कौन कौन से डेट में गुरुवार पड़ेगा, कौन कौन से दिनांक में गुरुवार पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा आपको बताना है कि अप्रैल 2010 का कैलेंडर आपको बताना है कि कौन सा दिन क्या पड़ रहा है। अगर किसी भी दिन का अगर आप निकाल पाएँ कि अप्रैल का कोई भी दिन एक निकाल पाएँ 2010 का, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से दिन गुरुवार पड़ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम पता करेंगे अप्रैल 2010, तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले एक काम कर लीजिए, अप्रैल 2010 का करने के लिए इसको हम कितने पार्ट में बांट देते हैं, सन 2000 प्लस 9 वर्ष मतलब 2009 तक आ गए, प्लस 2010 का कहाँ से जनवरी से अप्रैल तक, इतने भागों में हमने बांट लिया, सन 2000 तक, फिर 9 वर्ष और मतलब 2009 तक पहुंच गए, 2009 के बाद फिर 2010 का, 2010 का जनवरी से अप्रैल देखना है कि नहीं। ठीक, तो अब देखिए जैसे कि मैंने बताया 400 800 1200 इस प्रकार से 0 ऑड डे होते हैं,
तो सन 2000 में भी जीरो ऑड डे होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जीरो ऑड डे सन 2000 तक जीरो ऑड डे होता है, ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2000 तक जीरो ऑड डे होता है। फिर नौ वर्ष में देखिए, 2000 के बाद नौ वर्ष मतलब 2001 से लेकर 2009 तक कितने लीप ईयर हैं और कितने नहीं, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। नौ वर्ष के लिए कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, ठीक। तो 2004 और 2008 लीप वर्ष होने वाले हैं, मतलब दो लीप ईयर होने वाले हैं, और टोटल नौ वर्ष है ना, तो सात नॉर्मल ईयर होने वाले हैं। दो लीप ईयर के लिए दो दुनी चार ऑड डे, चार ऑड डे, और सेवन के लिए सेवन इंटू वन सेवन ऑड डे, मतलब कुल कितने, सात चार ग्यारह ऑड डे। बात समझ में आई ना, यहाँ पर एक ऑड डे के लिए दो, माफ कीजिए, एक लीप ईयर के लिए दो ऑड डे तो दो लीप ईयर के लिए चार, एक नॉर्मल ईयर के लिए एक ऑड डे तो सात नॉर्मल ईयर के लिए सात ऑड डे, टोटल 11 ऑड डे आ गए यहाँ तक। अब जनवरी से अप्रैल पहुँची है पूरा, ठीक है, पूरा जनवरी मतलब 31 दिन, चलिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, या फिर अप्रैल को जोड़ते नहीं, क्या करेंगे जोड़ के, है कि नहीं, मार्च तक, क्योंकि अप्रैल का अगर फर्स्ट डे पता चल जाए, ठीक है, मतलब फर्स्ट अप्रैल ले लीजिए, चलिए फर्स्ट अप्रैल ले लीजिए, ठीक, चलिए ऑड डे काउंट कीजिए, ऑड डे काउंट कीजिए, जनवरी 31 दिन, 31 को डायरेक्ट 7 से भाग दीजिए, तीन ऑड डे मिलेगा, तीन ऑड डे, डायरेक्ट ऑड डे काउंट कर रहे हैं हम, देखिए फास्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया है। फरवरी में कितने, फरवरी में 28 दिन होंगे, क्योंकि 2010 चल रहा है, 2010 लीप ईयर नहीं है, 28 दिन, और 28 को जब 7 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, मतलब जीरो ऑड डे फरवरी के लिए, ठीक है, 7 चौक 28। मार्च के लिए फिर से 31 दिन, मतलब तीन ऑड डे, और फर्स्ट अप्रैल को काउंट करना पड़ेगा, मतलब पहला दिन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल का डेट तो निकालना पड़ेगा, या तो यहीं तक रुक जाइए, ऑड डे निकालिए, तो मतलब आपको पता चल जाएगा 31 मार्च तक का डेट, लेकिन फर्स्ट अप्रैल को भी काउंट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर एक दिन ले लेते हैं, एक दिन ले रहे तो मतलब एक ही ऑड डे होगा, क्योंकि वो तो 7 से भाग जाएगा नहीं, क्लियर है क्या, जोड़िए चलिए फटाफट, 3 3 6 और 1 7 और 11 में 7 जोड़ेंगे, पहले का 11 ऑड डे बचा हुआ है ना, और यहाँ पर 7 आ गया, 11 प्लस 7 टोटल ऑड डे, टोटल ऑड डे 18, और 18 को फिर से 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 से कम होना चाहिए, तो मतलब बचेगा 4 ऑड डे, ठीक है, और 4 ऑड डे जब आया तो किससे काउंट करेंगे, फिर किसके बाद लेंगे, तो मैंने बोला एब्सोल्यूट कैलेंडर का केस है, कोई रेफरेंस नहीं दिया है, कोई पुराना डेट नहीं दिया हुआ है, तो 4 ऑड डे मतलब